किड्स ब्राइट फ्यूचर स्पोर्टिंग क्लब हिंगनघाट द्वारा आयोजित हिंगनघाट शहर में पहली बार अंडर 10 12 बॉयज और गर्ल्स का विदर्भ स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 5 दिसंबर को भवंस स्कूल ग्राउंड में किया गया, जिसमें वणी, नागपुर, वर्धा और हिंगनघाट की टोटल 28 टीमों ने हिस्सा लिया। दिन भर सभी टीमों के मुकाबले लिए गए। अंडर 10 बॉयज ने फाइनल मुकाबले में वर्धा के लकी क्लब ने ब्राइट फ्यूचर क्लब को पेनाल्टी शूट में 2-1 से हराकर खिताब जीता। बेस्ट प्लेयर इशरत अब्दुल सईद वर्धा को दिया गया। बेस्ट गोलकीपर कृष्णा जुनेजा वर्धा, बेस्ट फॉरवर्ड शौर्य वकील हिंगनघाट को दिया गया। अंडर 12 बॉयज में वणी की दोनों टीमों ने नागपुर और हिंगनघाट को हराकर फाइनल में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। बेस्ट डिफेंस वणी के प्रीत, बेस्ट फॉरवर्ड सार्थक और हिंगनघाट के कुणाल, तनवीर, संविधान, जय अलबख्श, नागपुर के अद्वैत मयंक को दिया गया। हीरो ऑफ द टूर्नामेंट वर्णी के सोनल को दिया गया। गर्ल्स में ब्राइट फ्यूचर क्लब हिंगनघाट ने नागपुर और वर्णी को सेमीफाइनल में हराकर पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। बेस्ट डिफेंस निधि भूरेकर, नंदनी राउत, बेस्ट फॉरवर्ड क्षितिजा ढवले, दिव्यानी मोरे, नागपुर की वंशिका, अदिति और वर्णी की मेघा और अदिति को दिया गया। गर्ल्स ऑफ द टूर्नामेंट दामिनी राउत को दिया गया। सबका शुक्रिया अदा करूँगा तो मेरे मौका दिया था कुछ दो शब्द बोलने का। काफ़ी अच्छी टीम्स आई यहाँ पर और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। बाकी टीम्स बहुत अच्छी खेली है, टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा हुआ है। दिन भर से आज मैसेज चल रही थी, काफ़ी दूर दूर से वर्धा, नागपुर, हिंगनघाट, बनी काफ़ी टीमें पार्टिसिपेट करी है। छोटे छोटे बच्चे काफ़ी अच्छा गेम दिखा रहे थे और आगे चल के ये बहुत अच्छी लेवल पर खेलेंगे, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ। और मुस्तफा सर का मैं थैंक यू करता हूँ कि वो ऐसे टूर्नामेंट आगे भी अरेंज करते हैं और हम अपने बच्चे यहाँ पर लाके थोड़ा सा इंकरेज करें ताकि उनको भी अच्छे ग्राउंड पे, अच्छे लेवल पे फुटबॉल खेलने का मौका मिले। और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हुआ, थैंक यू। मैं अपने दोस्त फिनिश करूँगा। BCN News के लिए हिंगनघाट से रवि यनौरकर की रिपोर्ट।